तो क्या सही में बंद हो जाएगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम? आखिर क्यों होगा ऐसा? यहाँ जानिए पूरा मामला। अगर हम आपसे यह कहें कि आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बता दें कि यह सच है। आज 25 मई है और आज के दिन ही उन 3 महीनों का समय खत्म हो रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए दिया था। ऐसे में अगर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें केंद्र सरकार के भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय की तरफ से 25 फरवरी 2021 को 3 महीने का समय दिया गया था। इस समय में डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने का निर्देश था। केंद्र सरकार का कहना था कि जिन्हें भी नियुक्ति किया जा रहा है उनका कार्य क्षेत्र भारत में ही होना चाहिए। यह भी साफ कर दिया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह भी कहा गया था कि नए नियमों के तहत अगर कोई भी शिकायत मिलती है तो उसे 24 घंटे के अंदर स्वीकार करना होगा। साथ ही 15 दिनों के अंदर कार्रवाई भी अंजाम देनी होगी। इसके अलावा इसका कारण भी बताना जरूरी है। इन नियमों को लेकर कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी थे जिन्होंने 6 महीने का समय मांगा था। इनमें से कुछ का कहना था कि उन्हें हेडक्वार्टर से निर्देश नहीं मिले हैं जो कि अमेरिका में स्थित है। अभी तक कू को छोड़कर कोई अन्य प्लेटफॉर्म नए दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। कू के एक बयान में कहा है कि कू की प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ यूज और कम्युनिटी गाइडलाइंस पर लागू नियमों की आवश्यकता को दर्शाते हैं। इसके अलावा कू ने भारतीय निवासी मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और ग्रीवियंस ऑफिसर के सपोर्ट के साथ एक डिजिटल डिजिलेंस एवं ग्रीवियंस रेडिसल मैकेनिज्म को लागू किया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा समय सीमा निर्धारित होने की स्थिति में सरकार उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई कर सकती है। नए डिजिटल एथिक्स कोड के साथ सरकार का लक्ष्य एक प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना है। केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि स्ट्रीमिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने और गलत सूचनाओं के सोर्स का खुलासा करने और 24 घंटे के अंदर उसे हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।